हाय, दिस इज विवियन यार। प्यार से आप लोग मुझे अभय रायचंद बोलते हैं, और आज आप लोग मेरे घर आए हैं और मैं खाना बनाने वाला हूँ, और जिसमें मैं बनाऊंगा आलू गोभी। मेरी मॉम के हाथ की आलू गोभी मेरी फेवरेट है, और मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। जब भी मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ, सेट से आता हूँ और अगले दिन छुट्टी होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं घर आके खाना बनाऊँ। मेरा सारा स्ट्रेस चला जाता है जब मैं कुकिंग करता हूँ। तो रोटी और पराठे छोड़ के ऑलमोस्ट हर चीज़ बना लेता हूँ इंडियन खाने में। स्कूल में पढ़ा था और आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग। एक्चुअली ऐसे बिठा के सिखाया नहीं, मॉम किचन में बनाती थी और मैं खाली देखता था कि, और अपने आप ही ये हॉबी डेवलप हो गई। जब भी अकेला रहता हूँ तो कुछ भी बनाने लग जाता हूँ उठपटांग। ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने बनाना सीख लिया। आलू गोभी की शुरुआत, पहले ऑयल को थोड़ा हम गर्म होने देते हैं। अभी राई जीरा डाला है। राई जीरे के बाद बारी आती है प्याज की। जब राई जीरा थोड़ा सा ब्राउन हो जाए कलर में, तो उसके बाद आता है प्याज। जब प्याज थोड़ा सा रेड हो जाए, उसके बाद बारी आती है हरी मिर्ची की। अब बारी आती है गोभी की, उसके बाद हल्दी, उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, गोभी के साथ साथ आलू। नमक डालने का थोड़ा तरीका मेरा डिफरेंट है। नमक का एक सॉल्वेंट पानी के साथ बनाकर, एक सॉल्यूशन टाइप पानी के साथ बनाकर, वो अच्छी तरह से सब्जी में मिक्स हो जाएगा। प्लस सब्जी को थोड़ा सा और पकने के लिए पानी की जरूरत होती है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं आलू गोभी बनाने के लिए। कोई ऐसे ही फ्राई करके बनाता है, कोई थोड़ा पानी का छींटा देकर बनाता है, कोई थोड़ा पानी डालकर बनाता है। तो मैं नमक के साथ करता हूँ, तो उससे क्या थोड़ा हेल्प हो जाती है दोनों तरीके से। वो सब्जी जब तक होती है, हम लोग दाल का तड़का रेडी करते हैं। दाल रखी हुई है बॉईल करके पहले से, अब सिर्फ उसमें तड़का देना है। दाल में तड़के के लिए पहले थोड़ा सा जीरा, तो थोड़ी सी राई, वही सेम प्रोसेस। प्रिकॉशन टिप्स तो मैं जरूर दूंगा, फोन पे बात ना करें, नहीं तो इससे सब्जी का और आपके दोनों के जलने का खतरा है। और कोशिश करें कि अगर आप खाना बना रहे हैं तो पूरा ध्यान अपना खाना बनाने में ही रखें। धनिया आप जब भी डालें तो अच्छे से साफ करें। धनिया के बिना मैं खाना नहीं खाता हूँ। एक्चुअली मैं डेट साइड में कर देता हूँ अगर मेरे खाने में धनिया ना हो तो। मेरे घर में आपको कोई सब्जी मिले ना मिले, 365 days 24/7 धनिया जरूर मिलेगा। धनिया जैसे कि कोरिएंडर भी बोलते हैं, वो टेस्ट के लिए सबसे अच्छी चीज होती है। गार्निशिंग ए फूड, द बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज इज कोरिएंडर। आपका खाना किचन में बनता है, आपकी बॉडी में जाने वाला फूड आपके किचन में बनता है, तो खासकर आपका किचन एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। खाना बिल्कुल रेडी है। फाइनली खाना रेडी है, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखती है। आई होप खाना ठीक ठाक बना।